हेलो फ्रेंड्स, ये जादू है। देख रही है कुछ नहीं पता लेकिन लपेटी बहुत बढ़िया होती है। ये मम्मी का सीधे कुछ भी देख ले, मैं पकड़ के रखना मैं तो आगे नहीं पकड़ने दे रहा हूं। टाइट पकड़ना, थोड़ी सी टाइट छोड़ जाता है क्या? साथियों, आज हम नैनपुर तहसील के वार्ड क्रमांक 9 गोपाल चौहान जी के घर से लगभग 6 फीट का इंडियन रेड स्नेक, जिसे हम धामन सांप कहते हैं, इसे हमने रेस्क्यू किया है और रेस्क्यू करते हुए इसे वन विभाग को सूचित करते हुए वन क्षेत्र में रिलीज करेंगे। साथियों, यह भारत का सबसे फुर्तीला सांप है, जो कि भागने में बहुत तेज होता है और इसका मुख्य भोजन चूहा होता है। यह सांप चूहे की तलाश में ही इंसानी बस्ती में या घरों में घुस जाते हैं। अतः सांप दिखाई देने पर वन्य प्राणी जीवों को नुकसान न पहुँचाएं, तत्कालीन वन अमला या उनसे अधिकृत व्यक्ति से संपर्क करें। हम इस सांप को रेस्क्यू कर चुके हैं और रेस्क्यू करते हुए उसे वन क्षेत्र में रिलीज करेंगे। आया लगता है पलटी ना करते, मतलब उनको भी ऐसी लग रहा है, देखना पलटी करेगा। चल भैया, लेकिन देख के तो हार्ट फेल होगा। ये इसकी नहीं लंबाई तो मोटाई से ना बस डरता है आदमी, हालांकि करता कुछ नहीं है ज्यादा, काटने कूटने का भी नहीं करता। ये काटने का कुछ भी नहीं करता, सही बोला भैया। छेदा करने में फट लगना पता है, छेदा करने की कोशिश। ये खिला दूं आप पढ़ चाह पढ़ तसी सो पढ़ साथियों। इसी क्रम से हमने नैनपुर के वार्ड क्रमांक 9 पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी के घर से लगभग 6 फीट का इंडियन रेड स्नेक, जिसे हम धामन सांप को रेस्क्यू किया है और इसे हम भी वन विभाग को सूचित करते हुए वन क्षेत्र में रिलीज करने के लिए आए हुए हैं। तो आप हमारे वीडियो को अंत तक बने रहें, हम इस धामन सांप को वन क्षेत्र में हमेशा हमेशा के लिए रिलीज करेंगे। साथियों, इंडियन रेड स्नेक भारत का सबसे फुर्तीला सांप होता है और यह भागने में बहुत ही माहिर होता है, अतः वन्य जीव दिखाई देने पर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। तो वीडियो को अंत तक बने रहें, हम इस धामन सांप को वन क्षेत्र में रिलीज करेंगे। अलग वहाँ से अलग साथी, हम कोबरा को वन क्षेत्र में रिलीज कर रहे हैं। ये कोबरा निकल रहे हैं।